हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जहां पे आपको रेडी टू मूव अपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं। यहां पे हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं ये रेडी टू मूव स्टेज पे अवेलेबल है। इसका साइज है 1045 स्क्वायर फीट 2 BHK। सोसाइटी फुल्ली ऑपरेशनल है। अगर हम बात करें एमिनिटीज़ की तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। एक क्लब हाउस जो कि ऑपरेशनल है, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिमनेजियम, बास्केटबॉल कोर्ट और बहुत सारे स्पोर्ट्स एमिनिटीज ग्रीनरी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपार्टमेंट के बारे में। फॉयर के साथ आपको एंट्री मिलती है, सामने देखने के लिए मिलता है आपको आपका लिविंग और डाइनिंग स्पेस। स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है आपको यहाँ पे देखने के लिए। इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो के ऑप्शन दिए गए हैं। एक डिसेंट साइज में आपको आपका किचन देखने के लिए मिलता है। किचन के साथ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है यूटिलिटी बालकनी। विंडो का यहाँ पे आपको बहुत बड़ा साइज मिल जाता है देखने के लिए, जो कि डाइनिंग करते वक्त इंश्योर करता है कि प्रॉपर सनलाइट आपके रूम पे बनी रहे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमें पहला बेडरूम जो मिलता है उसके डायमेंशंस हैं 10.5x12 के। ये आप देख सकते हैं रूम के अंदर स्पेस। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस भी देखने के लिए मिलता है। इस यूनिट का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एक ओपन व्यू मिलता है और जो बालकनी का साइज है वो थोड़ा एक्सटेंडेड मिलता है। सोसाइटी में जो यूनिट की लोकेशन है वो आपको पूरा 360 व्यू देती है और एक डिसेंट बालकनी के साथ आपको ये स्पेस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम आपको मिलती है देखने के लिए वुडन फ्लोरिंग, साथ ही साथ स्टोरेज स्पेस। डायमेंशंस की अगर बात करें तो 10x11.5 का ये आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ भी एक रनिंग बालकनी मिलती है जो कि आपको पूरा व्यू देती है आपकी सोसाइटी का। अगर आप अपने लिए 2 BHK का एक अपार्टमेंट देख रहे हैं एक अच्छी सोसाइटी के अंदर तो आप इस सोसाइटी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। फर्दर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लिफ्ट लॉबी एरिया के बारे में। यहाँ पे अपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। आपके अलावा आपके सिर्फ एक ही नेबर हैं जो आपको विजिबल होते हैं। पूरी सोसाइटी के अंदर आपको लश ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी और सोसाइटी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इस सोसाइटी का पजेशन 2 साल पहले ही दिया जा चुका है। 2 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे पूरी सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। फर्दर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लब हाउस की। क्लब हाउस का एंट्रेंस डबल हाइटेड मिलता है, सामने आपको रिसेप्शन और काउच मिलते हैं देखने के लिए। एक डिसेंट स्पेस के साथ आपको फ्रंट का एरिया देखने के लिए मिलता है। क्लब हाउस की आपको जो एंट्री मिलती है वो 2 एंट्री दी गई है। एक जो आप ये देख रहे हैं, सेकेंड एंट्री जो मिलती है वो आपको मिलती है आपके स्विमिंग पूल के लिए। इंडोर गेम्स आपको जो देखने के लिए मिलते हैं वो आपको ग्राउंड फ्लोर में ही मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं TT, स्नूकर टेबल और बहुत सारे इंडोर गेम्स। फर्दर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हैंड फुटबॉल। इसके अलावा आपको चेस कैरम के लिए एक सेपरेट एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे मिलने वाले जिमनेजियम के बारे में। जिमनेजियम में आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिलते हैं और एक डिसेंट स्पेस मिलता है जहाँ पे कार्डियो और वेट ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा एरिया मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने क्लब हाउस में मिलने वाले बैंक्वेट की। बैंक्वेट का साइज बहुत डिसेंट है, ओपन स्पेस भी दिया हुआ है प्लस टेरेस एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बैंक्वेट की छत से आगे का एरिया देखने के लिए मिलता है। ये वो ओपन स्पेस है जो आपको बैंक्वेट में देखने के लिए मिलता है। वाटर बॉडी और ग्रीनरी के साथ इस सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। फर्दर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सोसाइटी में मिलने वाले स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल का साइज काफ़ी डिसेंट है, हम यहाँ पे इजीली स्विमिंग कर सकते हैं समर सीजन में और इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ। पूरी सोसाइटी में कुछ इस तरीके से आपको ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है। इस पर्टिकुलर यूनिट की अधिक जानकारी के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी इस प्रॉपर्टी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।